तो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की इस एक और न्यू वीडियो में। और भाई आज मतलब यार मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत सीन कर दिया। मतलब आज मैंने भाई एक नई सेटिंग ढूंढी थी, मतलब वो मैं पहले यूज़ करता था जब मैं फ़ोन पे खेलता था। तो अब भाई मैं तुम्हें बताऊंगा उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे वो सेटिंग कौन सी है, पी कैन ओपन स्कोप। तो भाई वो मैं पहले यूज़ करता था, और इस बारी भाई मैंने फर्स्ट गेम प्ले में मतलब आईपैड पे जब मैं खेल रहा था, तो ये वो मैच है भाई जिसमें मैंने वाली सेटिंग यूज़ करी थी। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक बोर्ड मिलता है, तो उस सेटिंग से मतलब पता क्या होगा तुम्हारा, मतलब जैसे ही तुम पीक करोगे ना तो भाई स्कोप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और भाई यकीन मानो यार, ये चीज़ तुम्हारे रिफ्लेक्स इतने ज़्यादा इंप्रूव करेगी ना भाई, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है कहीं कहीं, बट जैसे ही तुम डेली बेसिस पे खेलते रहोगे तो भाई तुम्हें इसकी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और भाई तुम लीन करके बहुत ही ज़्यादा मस्त तरीके से मार सकते हो, और जब तुम लीन करते हो तो भाई तुम्हारा मतलब बॉडी पार्ट मतलब कम रिवील होता है, और लीन करोगे ऑटोमेटिकली स्कोप ओपन हो जाएगा। तो भाई तुम्हारे लिए मतलब कति तबाही रहेगा भाई। तो अभी यहाँ पे भाई मेरे सामने दो बंदे होते हैं, और मेरे पास थी यूएमपी और मिनी, और भाई मैं उन पे मतलब बिल्कुल भी भाई पुश नहीं कर सकता था इन गन को लेके। तो मैं यहाँ पे भाई मोली करने का ट्राई करता हूँ, बट यार मोली जो है मैं कंटेनर में ही आग लगा दूँ, देखो जरा कैसे। तो यहाँ पे वो बंदे मरते तो नहीं, बट भाई जब मैं उन बंदे पे पुश करता हूँ तो तुम देखना मतलब क्या ही हुआ। भाई यहाँ पे एक ही स्प्रे में दोनों बंदे आ गए, और ये बंदे जो है भाई किसी वेयर हाउस वाले बंदे से लड़ रहे थे, और अब वो मेरे पे पुश करने आएगा जरूर, क्योंकि मैं अकेला हूँ उसे पता है। और मैंने यहाँ पे दोनों बंदे निपटा दिए, और वो आ रहा भैया देखो कैसे भगा हुआ। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को भाई मैं क्राउच एंड शूट करके मार देता हूँ, और सबसे पहले चलो यार इनकी लूट लेते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे लूट ही रहा था तभी पीछे से एक बंदा आता है, और यार इसे देखना मतलब क्या ही मारा। पहले मैंने सोचा भाई ये बोट है, बट यार ये रियल बंदा था। तो यार यहाँ पे उसका थोड़ा सा बॉडी पार्ट दिख रहा था, तो मैं उसे आराम से मार देता हूँ। और अभी दो बंदे और बच रहे हैं, तो यार चलो उन्हें चल के बेलते हैं। तो भी यहाँ पे तुमने देखा होगा भाई मैंने पीक करा और ऑटोमेटिकली स्कोप ओपन हो गया। तो ये वाली सेटिंग तुम भाई तुम्हें बेसिक में मिल जाएगी, और भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है यार ये। तो मैं यहाँ पे इन दोनों बंदों को भी ख़त्म कर देता हूँ, और भाई यहाँ पे मतलब जोर्ज पुल पूरा का पूरा क्लियर हो चुका था। तो इनकी लूट लेने के बाद भाई चलते हैं दूसरे बंदों को ख़त्म करने। तो भाई जॉर्ज पुल क्लियर करने के बाद सीधा मैं मतलब इधर आ जाता हूँ रोजोक की तरफ, और यहाँ पे मुझे एक दिखी थी सामने फ्लेयर, और भाई मैं यहाँ पे बंदे चेक कर रहा था तभी यार ये बंदा दिखा मुझे। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था भाई नेड करने का, और सामने वो दो बंदे थे, और तुम देखना भाई मैंने अपने मतलब तीन नेड कैसे खराब कर दिए इन बंदों में। मैंने यहाँ पे भाई तीन नेड फेंके, बट यार उसमें मतलब कोई भी नोक नहीं होता, और अब देखना भाई इन बंदों ने क्या गलती करी। तो अब सबसे पहले भाई मैं फुल बूस्ट करता हूँ, और फिर भाई मैं राइट से रोटेट करता हूँ, और भाई ये बंदे मतलब ऐसे थे ना मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। तो अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को भाई बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया था, तो यार अब उस पर मुझे पुश करना था, और भैया अगर वो वहाँ टीपी पे ले रहा होगा तो वो मुझे भर देगा, बट यार कोई नहीं, मैंने ट्राई करा भाई उस पर पुश करने का, और उसका एक बंदा जो है भाई अभी भी घर में है। तो अब यहाँ पे मेरी जो मोली है भाई वो भी वेस्ट हो जाती है, और मैं ट्राई कर रहा था भाई ऊपर वाले को मारने का, तभी यार ये नीचे वाले बंदे की मतलब पता ही नहीं भाई क्या खा जो मतलब पीक कर दे और मैं इसे नॉक कर दूँ।
तो अब यहाँ पे एक बंदा तो भाई इसका नोक था, और पहले मैं ट्राई करता हूँ कि भाई ऊपर चला जाऊँ, बट मैं फिर यहीं रुक जाता हूँ। मैंने कहा भाई शायद से क्या पता ये जंप ही कर दे, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे जो है जंप कर दें। और अब मैं मौके का फ़ायदा उठा के मतलब भाई इसके टीममेट को फिनिश कर देता हूँ। और अब देखो भाई इसे कैसे ही मारा इसका भैया, मतलब सबसे ऊपर जाके जिन्ने पे टीपी भी लेने लगा, और ये सोच रहा भाई हमें पता नहीं लगेगा। तो अब ये बंदा जो था भाई बिल्कुल मेरे सामने था, और भाई मैं प्री फायर देता हुआ घुसा। तो यहाँ पे इस वाले बंदों को मारने के बाद भाई मैं आता हूँ एक फ्लेयर पे, और फ्लेयर पे देखना भाई इन बंदों के साथ मतलब मैंने क्या ही स्कैम करा। एक बंदा जो था भाई फ्लेयर लूट रहा था, और एक मेरे पे पुश कर देता है, तो यार मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई भाई इन दोनों को मारने में। तो अब यहाँ पे मतलब भाई इसका एक बंदा फ्लेयर लूट रहा होता है, और भाई ये मेरे पे एकदम तुरंत पुश कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ तो सबसे पहले मैं इसे ही नॉक करता हूँ। मैंने कहा भैया तुम ही आओ। तो इसको नॉक करने के बाद भाई मैं इसे तुरंत फिनिश नहीं करता, और सबसे पहले यहाँ पे अपने मतलब हील करता हूँ। और मतलब भाई अब वेट था मुझे इसके बंदे का, क्योंकि अगर मैं इसे फिनिश कर देता तो भाई इसका बंदा इसे बचाने ना आता। और अब देखो इसका बंदा आया, उसे कैसे मारा। और सबसे पहले तो भाई फुल 6x खुल गया मेरे से। तो जैसे ही मेरे से फुल 6x खुला तो भाई मेरी फटी, तो मैंने इसे 3x बनाया सबसे पहले। तो जैसे ही ये बंदा मतलब भाई पुश करता है, तो मैं क्लोज रेंज में भाई M762 निकाल लेता हूँ। और भाई मतलब 7 की गन यार तुम्हें पता ही होगा, मतलब क्लोज रेंज में क्या ही तबाही मचाती है। और अब देखना भाई मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकल गया था, और भाई तभी मेरे पीछे ये मतलब गाड़ी वाले बंदे पड़ जाते हैं। ये कहीं से M249 लूट लाट के लाड़ते, और भाई बहुत ही ज़्यादा चोड़ में थे बंदे। तो मैंने यहाँ पे इन्हें डैमेज तो दिया था, और भाई ये यहाँ पे आके रुक भी गए। तो अब यहाँ पे उस बंदे के भाई मैं भी डैमेज देता हूँ, और यार वो भी मेरे एक शॉट मारता है। पता नहीं भाई ओम का था या पता नहीं किसी चीज़ का था भाई, बहुत ही ज़्यादा गलत मारता है। तो उसके बाद मैं पीक नहीं करता। तो अब जो है इसका एक टीममेट मेरे सामने आके टीपी भी लेने लगता है, तो सबसे पहले मैं इसे नॉक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे भाई सबसे पहले मैं एक फर्स्ट एड लगाता हूँ, और फिर उन पर पुश करता हूँ, और भाई देखना मतलब इन्हें क्या ही मारा। तो वो बंदा जो था भाई घर में रिवाइव दे रहा था, और मैं प्री फायर करता वो घुसा। तो हम यहाँ पे येली डुओ भी पेल देते हैं, और भाई उसके बाद मैं अपनी गाड़ी लेके मतलब जा ही रहा था, और मुझे भाई 3 स्टोरी पे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखती है, और बंदों के फुटप्रिंट भी आ गए थे। तो अब देखना मैंने यहाँ पे मतलब क्या ही दिमाग लगाया। तो अब यहाँ पे क्या होता है भाई, मैं एक मोली कर देता हूँ, और मतलब वो देखना कहीं आ गई थी, वो भाई यहीं पे होगी जिन्ने पे। तो अब मैं इन बंदों पे पुश नहीं करता, क्योंकि भाई वो दो थे और एक घर में टीपीपी लेके वो मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम से मार सकते हैं। और नेड जो है भाई मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो सबसे पहले मैं एक स्क्वाड हाउस में आता हूँ इधर, और भाई मुझे एक लक्कीली यहाँ से नेड मिल जाता है। और भाई मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा बढ़िया, मैंने ये नेड करा और भाई इसमें एक बंदा नॉक हो गया। तो अब यहाँ पे एक बंदा तो भाई नोक हो चुका था, और अब मुझे करना था भाई इस बंदे पे पुश जो कि उसका टीममेट है। तो वो बंदा जो है भाई इधर मतलब जिन्ने पे टीपी भी ले रहा है, तो मैं यहाँ पे आके खड़ा हो जाता हूँ। और अब इसका बंदा देखना मतलब भाई उसकी अनलिमिटेड हेल्थ हो चुकी थी पता नहीं कैसे। तो भैया हम इसके पिछवाड़े पे मतलब बहुत ही ज़्यादा गोली मारते हैं, बट यार ये फिनिश नहीं होता। और अभी इसके बस टीममेट को मार के मैं इसे भी ख़त्म कर दूँगा।
तो हम यहाँ पे इसके टीममेट को ही मार देते हैं भाई पीक करके। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई मैं स्कोप एंड पीक मतलब भाई गलत ही चीज़ है, और जितना भी तुम भाई बॉडी पार्ट मतलब रिवील करोगे उतना ही ज़्यादा मतलब तुम्हारे लिए खतरा होगा। इसलिए भाई कम बॉडी पार्ट रिवील करो और भाई बंदे ठिलाओ। तो अब मैं यहाँ पे पता नहीं क्या ही टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहा था। बट तभी भाई मुझे एक गाड़ी जाती हुई दिखती है और ये बंदे जो हैं भाई ड्रॉप पे रुक जाएं और इनमें से मैं एक नॉक कर दूं। तो यहाँ पे क्या होता है मतलब भाई ये बंदे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुके थे क्योंकि इनके साइड से भी पड़ रही थी और इधर मैं था। तो इनका जो दूसरा बंदा था ना भाई मतलब जो उस बंदे का दूसरा टीममेट था जिसे मैंने नॉक करा वो भी भाई 1 HP था। तो सबसे पहले मैं क्लोज रेंज में आता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ भाई मेरे पर कोई नेड नोड हो, बट यार मेरे पर नेड था ही नहीं, मतलब 4 ही स्मोक थी। तो अब मैं भाई रैंडम फायर देता हूँ स्मोक में और ये बंदा ख़त्म हो जाता है क्योंकि भाई वो एक्स स्नाइपर वाई पर नाम का बंदा बस जो भी था भैया वो 1 HP था बिल्कुल ही लिट। वो तो जरा वो कैसे बच गया मुझे पता। और अब यहाँ पे मैंने इन बंदों को भी मार दिया था और भाई अब मेरे ऊपर आ चुकी थी मतलब 1v2 की सिचुएशन, मैं अकेला बच रहा था और भाई मेरे सामने 2 बंदे थे। तो यहाँ बंदे क्या कर रहे थे भाई मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही मैं एक बंदे के मार रहा था भाई उसका बंदा पता नहीं भाई कहाँ से ही ओम चिपका दे रहा था मेरे, तो मैं ज्यादा पीक नहीं दे रहा था यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं भाई यहाँ पे ज़्यादा पीक देता या अपनी मूवमेंट रोकता थोड़ी सी भी तो भाई मेरे एक ओम का पट से आता और भाई मुझे नोक कर देता वो बंदा। तो अब ये बंदे जो है भाई फ्लैंक फ्लूंग कर लेते हैं मेरे सामने से पता नहीं कैसे, क्योंकि भाई उनके पास रिच था और मेरे पास भी वैसे हाइट एडवांटेज था जिससे कि मैंने इन्हें मारा। देखना तुम आगे। तो भाई यहाँ पे वाले बंदे भाई फ्लैंक कर जाते हैं तो मैं भी पीछे आके सबसे पहले तो भाई 3 स्टोरी पे चला जाता हूँ क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जगह थी। अगर 3 स्टोरी ना होती ना भाई तो यार मैं ये वाला मैच नहीं जीत पाता। तो 3 स्टोरी पे आने के बाद भाई मैं बंदे स्काउट करता हूँ और यार मुझे एक बंदा दिख भी जाता है जिसे कि मैं आराम से नॉक कर देता हूँ। तो इस बंदे को पेलने के बाद भाई भारी थी इसके टीममेट की और भाई इसका टीममेट इसके लिए स्मोक कर रहा था जो कि उसके लिए मतलब भारी पड़ गया। तो होप सो गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर करना और नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।